चाहिए। बच्चे अगर मुसलमान हो, माँ बाप अगर गैर मुस्लिम हो, तो ऐसे वक्त पर इस्लाम सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 के आयत नंबर 15 में बताया जा रहा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको शिर्क करने की दावत देते हैं, मेरे साथ शरीक करने की, यानी अल्लाह ताला कह रहे मेरे साथ शरीक करने की, तो तुम उसकी इताअत मत करो, दोनों की इताअत मत करो, उसमें शामिल ना हो। क्यों लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुमको और हमारा दिन हमको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बेइज्जती करेंगे, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो तो माँ बाप है ना, माँ बाप का तो एहतराम होना चाहिए। इस्लाम में माँ बाप का कहाँ मानना है, किन चीज़ों में मानना है, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ना जाए। अगर अल्लाह और उसके रसूल के बात खिलाफ जाती है तो प्रेफरेंस किसको देना है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि अल्लाह ने माँ बाप को ताकत दी कि वो हमको पैदा करे, तो असल ताकत वाला कौन हुआ, अल्लाह सुबहानहु व तआला, तो पहला हक उसका है। और अल्लाह की शरीयत बताने वाले कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो प्रेफरेंस अल्लाह की शरीयत का है, अल्लाह का है, जो कि हमारे माँ बाप का भी खालिक है। बेशक। तो इसलिए दीन का जब मसला आएगा, कोई शरीयत से टकराने वाला मसला आएगा, तो पहले हम खालिक का ख्याल करेंगे, क्योंकि मुझे और मेरे माँ बाप को पैदा करने वाले कौन है, अल्लाह सुभान व तआला। तो पहला हक, अगर माँ बाप का पैदा करना एहतराम है, तो माँ बाप के पैदा करने वाले का एहतराम। माँ बाप तो जरिया है, लेकिन असल पैदा करने वाला कौन है, वो तो खालिक अल्लाह सुभान व तआला। मुसब्बिब कौन है, अल्लाह ताला। अजबाब है माँ बाप, माँ बाप चाहे कई ऐसे माँ बाप है वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते, उनको औलाद नहीं होती, तो औलाद कौन दे रहा है, औलाद कौन छीन रहा है, बीमारी कौन डाल रहा है, मुसीबत कौन डाल रहा है, मुसीबत कौन टाल, पूरी कायनात चलाने वाला कौन है, अल्लाह सुबहान। तो पहला हक अल्लाह सुबहान व तआला का।